मध्य प्रदेश में 2018 के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान को भी कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देते हैं। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल गौर ने एक प्रोग्राम में कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा का खूब विकास किया है। उसके पीछे किसने उसको बनाया उसका मन पड़ता है। जैसे मैंने भोपाल में बुल्लोर चौक अच्छी सड़कें बनाई, ऐसे उन्होंने कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को अच्छा नगर बनाया। धन्यवाद। बाबूलाल गौर के इस बयान पर जब कमलनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाबूलाल गौर एक सच्चे इंसान है। बाबूलाल गौर जी एक सच्चे इंसान है, बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिनको ये सच्चाई उनके बोलते की सच्चाई भी स्वीकार करना चाहते, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर मैं जानता था कि आप ये प्रश्न मेरे से पूछेंगे। तो जो बाबूलाल गौर जी ने कहा है मैं उसकी सच्चाई तो वो जानते हैं, क्योंकि वो भी शहरी विकास मंत्री थे। सबसे ज्यादा पैसा पूरे देश में मध्य प्रदेश को मेरे कार्यकाल में, जब मैं शहरी विकास मंत्री था, कि मध्य प्रदेश को ये शिवराज सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। मैं जब परिवहन मंत्री था मैंने सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को दिया, जो इतिहास में कभी ना मध्य प्रदेश को मिला ना आगे मिलेगा। पिछले 4 साल में इसका थोड़ा परसेंटेज भी नहीं मिला। तो शहरी विकास में मैंने मध्य प्रदेश को 4,510 करोड़ रुपए दिए और 600 बसेस का एक अलग प्रपोजल था, वो मैंने स्वीकार किया। बाबूलाल गौर के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, किसको? मैं तो शिवराज सिंह को भी निमंत्रण देता हूँ, बाबूलाल गौर को बोले। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा धड़ कमलनाथ को आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के तौर पर देख रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।